I am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. आखिरकार लोकी का ये डायलॉग सच साबित हुआ, क्योंकि लोकी अब रूलर ऑफ टाइमलाइंस बन चुका है। पर लोकी के रूलर बनने से टाइमलाइंस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और क्या ये चेंजेस लोकी को ही यूरीमेन से बेटर रूलर बनाते हैं या नहीं, चलो पता करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं मूवीज फैक्ट टीवी। और आज का कंपैरिजन तुम्हें पता ही है कि लोकी और ह्यूरी मेंस में होगा, जिसमें हम पता करेंगे कि कौन बेटर रूलर ऑफ टाइमलाइंस है। और ये पता करने के लिए हम इन्हें तीन बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर वन, ब्रांच टाइमलाइन। तो ह्यूरी मेंस ने शाश्वत समय रेखा यानी कि मेन टाइमलाइन को छोड़ के बाकी जितने भी ब्रांच टाइमलाइंस थे उन्हें मिटा दिया, चाहे वो टीवीए के हेल्प से मिटाए हो या फिर टेम्पोरल लूम से। पर वही लोकी ने सभी टाइमलाइंस को बिना डिस्ट्रॉय किए एक साथ रख के एक ट्री का शेप दिया, जिसे सभी लोग इड्रेसिल कह रहे हैं, पर हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो लोकी के टाइमलाइंस को ट्री शेप देने से अब जितने भी ब्रांच टाइमलाइंस बनेंगी वो ट्री के ब्रांचेस के ही तरह कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसे तुम एक एग्जांपल से समझ सकते हो। तो जैसे ट्री में कंटिन्यूअसली नई ब्रांचेस आती हैं, पर उससे ट्री या फिर उसके ब्रांचेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे ही टाइमलाइन के हिस्ट्री में कोई और टाइमलाइन ऐड होती है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इसी वजह से अनगिनत लोग जो उन टाइमलाइंस में रहते हैं उनकी जान बच जाएगी। तो इसीलिए ये पॉइंट लोकी को जाता है। नंबर टू, टीवीए। तो टीवीए की शुरुआत ही ह्यूरी मेंस ने की थी, और उस समय टीवीए में किसी के भी पास टीवीए में काम करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था, और उस समय टीवीए में खुशी नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी, जैसा कि हमें मोबियस ने इस सीन में बताया था। इसमें क्या खुशी मिलती है? खुशी? कोई खुशी नहीं मिलती, तुम्हें टीवीए में खुशी का एक कतरा भी नहीं दिखेगा। पर वही नए टीवीए को लोकी रूल कर रहा है, और इस नए टीवीए में तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम चाहो तो टीवीए में काम कर सकते हो या फिर अपने टाइमलाइन में जाके अपने बाकी की जिंदगी बिता सकते हो, जैसा कि मोबियस कर रहा है। और इस नए टीवीए में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, बस लोग खुशी से काम कर रहे हैं और उनका गोल चेंज हो गया है टाइमलाइंस को इरेज करने से कैंग के वेरिएंट से टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट करने में, और इसी वजह से ये पॉइंट भी लोकी को जाता है। नंबर थ्री, रिस्क। तो ह्यूरी मेंस टाइमलाइंस और टीवीए को लेके काफी सिक्योर रहता था। वो कभी भी टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था अगर कोई भी गलती हुई तो उसके वेरिएंट्स या फिर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और इसी वजह से वो सिर्फ मेन टाइमलाइंस को बचाता था, ब्रांच टाइमलाइंस को नहीं। पर वही लोकी सभी टाइमलाइंस को बचाता है, जिससे आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लाइक कैंग वॉर, जिसे हम कैंग डायनेस्टी में देखेंगे ही, या फिर इनकर्जन, जिससे दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मैं ये पॉइंट ही ह्यूरी मेंस को दूंगा। तो एट दी एंड लोकी के पास दो और ह्यूरी मेंस के पास एक पॉइंट है, और इसी वजह से लोकी अपने ग्लोरियस पर्पस को पूरा करते हुए ये कंपैरिजन जीत चुका है। तो तुम्हारे इस पे क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर देना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।